I'm not checking my throat, I'm just trying to sound sophisticated. Hello guys, my name is Siddhant Salgaonkar, and before starting this, I want to do something very important. Joy, how are you? नहीं, कल मैं प्रैक्टिस में बैठा था, so they are going to play Give Me Some Sunshine. And if you have watched The Idiots movie, after this song, Joy did not make it out alive. So, ड्रोन नहीं बना रहे ना. Also, I am requesting everyone not to play All Is Well song. उसके एंड में मरता है और ड्रोन तो बना ही मत. ओके, सो आई सो हु ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस सेगमेंट. आई मीन यू ऑल वेटेड फॉर दिस, राइट? नो वन इज एक्साइटेड. ओके, मैच लेके भी काफी ऑप्टिमिस्टिक हो यार. कोई पॉलिटिशियन के साथ सेटिंग है क्या? And who else are not interested or not excited for this segment? Not excited for me. I can see Saish guard over there. बहुत ही annoyed लग रहा है यार. भाई तू 50 रुपए में नोरा फतेह expect कर रहा था क्या? So we all don't know Saish. I know him from a very long time. He's very one of my very old friend. तो तेरे को खुश करने के लिए Saish. खुश और दो चाहिए. पेट खोल के दिखाने लगता, वैक्सीन नहीं किया. सो ऑल्सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, फोर्सफुली तो लाफ करो यार. मेरी माँ ठीक नहीं है मेरे पे, शी इज सिक. एसिडिटी. किसी को एसिडिटी नहीं हुआ क्या? पेट चलने लगता है यार. ओके, ऑल्सो बिफोर आई बिगिन, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि प्लीज ऑफेंड मत हुई है, और ऑफेंड हुए भी तो मुझे मारने मत आई है. लिसन, विल सेटल दिस लाइक ऑल द एडल्ट्स ऑफ इंडिया, जो बड़े बुजुर्ग लोग करते हैं ना, मिडिल एज, विल जस्ट फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट ईच अदर. आप मेरे अगेंस्ट सेडिशन फाइल करो, मैं JNU में एडमिशन ले लूँगा. लाइक प्रिंसिपल सेड, नो किसी को तो टॉप इंस्टीट्यूट में जाना ही है. सर विल यू डू द ऑनर्स? ओके, सो टुडे वी हैव गैदर्ड फॉर पाई डे, आई गेस, राइट? सो किसको पाई के बारे में सच्ची में कुछ भी नहीं आता? बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट. कोई तो यस वन, यू आर माय गाय. अब पता चला तेरा गोवा यूनिवर्सिटी में दाखिला क्यों नहीं हुआ? चार चार लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया और अभी तक तेरे को कुछ नहीं पता. गुड, मेरा भी नहीं हुआ. सो किस किस को पाई के बारे में कुछ तो आइडिया है, एटलीस्ट समथिंग. यू ऑल आल्सो डोंट नो. किसी को पता है यार? कोई तो सिंपथी के लिए तो हाथ उठा दो यार. गुड, तूने भी कुछ खास नहीं उखाड़ा भाई. तू भी उसके साथ उसके ही क्लास में बैठता है. तुम भी यही हो, हम भी यही है. शाउट आउट टू जाकिर खान. ओके, आई एम टेकिंग रेफरेंस. मैं कोई बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं बस कॉपी करता हूँ. मैथ्स के एग्जाम में भी वही किया है. ओके, सो जिन लोगों को नहीं पता, फॉर माई फ्रेंड यशवंत, उस साइज को भी कुछ नहीं पता है, वो खाली चुप बैठा है. कल मैंने उसको आधा घंटा एक्सप्लेन किया, सो एट द एंड ऑफ द आधा घंटा इज आस्किंग मी कल पाए खाने को मिलेगा क्या. सो रिफ्रेशमेंट कमेटी, प्लीज मेरे लिए उसको एक तो टुकड़ा दे देना, साइड में सब पाउडर वो तो दे देना. सो जिनको पता नहीं, मेरे दोस्त, लॉन्ग टाइम फ्रेंड एंड फॉर यशवंत, मोटे मोटे अक्षरों में समझाता हूँ, अगर समझना है तो गूगल कर लेना, मैं पाई हार्ट करके आया हूँ. सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी ख़त्म नहीं होता, इट्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली रॉन्ग. तो उसके साथ मैंने और भी आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पाई. वन थिंग इज पाई इज वेरी वर्सेटाइल. ओके, सो इफ यू टेक पाई एंड स्टैंड इट इन फ्रंट ऑफ आर स्क्वायर, यू गेट एरिया ऑफ सर्कल, राइट? ऑल्सो इफ यू पुट इट ऑन अ सर्कल एंड ओवर थिंक,
you get anger. It's called radiance, in radiance. Then if you put it in Apple, you get Apple Pie. If you put it in a day, you get legitimate reasons to miss lectures. It's called Pie Day. मूवीज कौन देखता है? अगर तू पाए को उठा के हॉलीवुड अमेरिका में डाल दो ना, यू विल गेट अ मूवी. इट्स कॉल्ड अमेरिकन पाए. थोड़े लोगों को हंसने हैं, बहुत संस्कारी लोग हैं. मैंने देखा है. तो और एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट काउंसिल से, मैंने आज पाई डे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कर रहा हूँ, वैलेंटाइंस डे का भी कुछ कर दो यार. परसों से सिंगल हूँ. बहुत मजा हो गया एंड मेड अ लॉट ऑफ जोक्स सिंस आई हैव मैच. थोड़ी तारीफ भी कर देते हैं ना, करते कि नहीं? हाँ, रोज गाली देते हैं, आज थोड़ी तारीफ करनी. मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और जो लोगों को ये समझ नहीं आता वो गधे हैं बेसिकली. वो आके पूछते हैं मैच कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल कैलकुलस कहाँ यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में? एडिशन सब्ट्रैक्शन बस करो ना यार, और क्यों बढ़ा रहे हो? हाँ, तो दिस गाइज आर डम, दे नेवर नोटिस. हाँ, वी यूज इट एवरी डे, वी यूज डिफरेंशिएशन एवरी डे, बट वी डोंट नोटिस. हाँ, स्पेशली इंडियंस, वी हैव अ वेरी इंट्रिकेट complex system which is called the caste system and we use it to differentiate people on a day-to-day basis. So तुम लोग को कुछ करना नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ. रमेश को with respect to सुरेश कैसे differentiate करोगे? बोलो ना, किसको कुछ आइडिया? By surname. बहुत सिंपल है. और अगर कोई अगली बार तुमसे पूछने आया ना डिफरेंशिएशन कहाँ यूज़ करना है, तो उसे पूछ लेना तेरा सरनेम क्या है, बोल देगा. ओके, चलो. आई वाज नॉट इंटेंडिंग टू मेक यू लाफ ऑन दिस, बट ये पाए दिख रहा है ये कैसे है पता है? प्रिया ने मेरे को बोला, नहीं सच सच बोल रहा, कि पाए डे पे हम लोग एड्स के लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करें. ओके, मैंने बोला लगा दे. फिर अब देख रहा हूँ ये कौन सा रिबन है यार, ये नेक को यूज नहीं करता. और तो चल ठीक है यार, मैथ्स भी बहुत अच्छा है. वी हैव फाउंड, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ मैथ्स इज बेस्ट क्वालिटी के दोस्त मिलेंगे, बेस्ट क्वालिटी सच में. ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर तेरे साथ रहेंगे, सच ही बोल रहा हूँ. अभी जो दोस्त हैं ना तुम्हारे, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं. और सिर्फ मैथ्स में ही ऐसा होता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं होता. तभी एक्सटर्नल संभाल देता है ना प्रैक्टिकल के नाम. और कैसे होते हैं पता है? दोस्त कौन अच्छे होते हैं? जो हर घड़ी मतलब मुश्किल के वक्त आपका साथ निभाए. और टी वाई में आपने जब मैथ्स लिया तब आपका मुश्किल समय स्टार्ट हो गया अलजेब्रा के साथ, और तब से ये लोग आपके साथ हैं यार. प्लीज अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. लव यू साइंस. सो वैसे ही मैथ्स करते करते मैं इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा था पहले 4 साल का. एक दोस्त मिला, वो जूलॉजी का था. कोई जूलॉजी में से है यहाँ पे? सब टीचर गए? ओके, सब गए तो फिर अच्छा है, बात कर सकते हैं. तो जूलॉजी का दोस्त था मेरा, उसका नाम लेना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन उसका नाम आमिर था. और ये भी मैंने जोक उठाया, उसका नाम आमिर था. आगे का ये रियल लाइफ इंसिडेंट है. उसका नाम आमिर था और हम लोग, वो जूलॉजी का था लेकिन हम लोग को एडुकेशन कंपोनेंट होता है ना, बीएड का कंपोनेंट. उसमें हम लोग मैथ्स के बारे में थोड़ा सीखते हैं और मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं उसके बारे में सीखते हैं. तो एक और ये आदमी को कुछ आता नहीं था, मैथ्स कुछ भी नहीं आता था. डिप्लोमा गया था वहाँ पे फेल होकर यहाँ पे आ गया था, उसको बेसिक कुछ नहीं आता था. तो हमको एक टेस्ट था,
हमारा थोड़ा मैथ्स का नॉलेज और मैथ्स के इक्विपमेंट कैसे यूज़ करते हैं वो टेस्ट था। और एक दिन पहले बहुत टेंशन में था, हम लोग रूममेट्स थे, साथ में रहते थे, वो साथ में तम्बाकू मलता था, मैं उसको ऑडियंस की तरह देखता था और उसको उसमें बहुत खुशी मिलती थी। और मैं बहुत टेंशन में था, मैं गाना सुन रहा था क्योंकि स्कूल का मैथ था ना, कौन पढ़ता है, तो गाना सुन गाते गाते सो गया। ये रात भर कुछ तो कर रहा था, लिखते जा रहा था, लिखते जा रहा था। तो दूसरे दिन टेस्ट हो गया, लोग बाहर मिले तो कैसे गया बोला टेस्ट, बहुत अच्छा गया, बहुत ईजी था यार, ऐसे ही टेंशन ले रहा था। फिर मैंने पूछा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या, फर्स्ट क्वेश्चन ये था व्हाट इज़ वन अपॉन कॉस, हाँ सिंपल है ना, आता है सबको, व्हाट इज़ वन अपॉन कॉस, sec x right? तो ये बोलने लगा आंसर है मेल। मैंने बोला कैसे, बोला मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ब्रो, तेरे को समझ नहीं आएगी। तो मैंने बोला प्रूफ दिखा, तो चट्टी के किसी कॉर्नर से इतनी सी पन्नी निकाली उसने बाहर, ये देख मैं कॉपी लेके गया था, कॉपी लेके गया, मैंने पढ़ा, हाँ साइन अपन कॉस वन अपन साइन, हाँ वन अपन कॉस, ये कहा था सेक्स, ऐसा रहता है ना वन अपन कॉस एक्स, सेक्स वर्क, आई मिस द सी इन बिटवीन। सो मी बीइंग अ गुड फ्रेंड, मैंने तो नहीं बताया कि तू गलत है, मैंने बोला अरे यार मैंने रॉन्ग लिख दिया यार, उसको आइडेंटिटी का मतलब उसको लाइफ क्राइसिस हो गया मेरे को देख के, तेरे को तेरा जेंडर नहीं पता ब्रो, कैसे, नहीं यार मेरे को पता है लेकिन मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, मैंने एक सी एक्स्ट्रा डाल दिया उसमें, मेरा रॉन्ग हो गया, क्या करूँ, मैं तो मैथ्स में स्पेशलाइज कर रहा हूँ, तू फर्स्ट आ गया तो लोग मेरी किल्ली उड़ाएंगे ना। तो बोला ब्रो चिल, मैं मार्क्स कमाने के लिए करता नहीं हूँ ऐसा, मैं अब किसी को अपने मार्क्स नहीं बताऊँगा, तू अपने मार्क्स पढ़ा के बता दे सबको, मैं फर्स्ट आऊँगा ना, टेंशन नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, सबको बता दूँगा कि मैं कॉपी कर रहा था, ओके ना, ठीक है, तो एक काम करते, तू नेशनल ट्रेजर है, तेरे इतना अच्छा इंसान कोई नहीं है, इन लोगों से दूर चलते हम लोग, इन लोग गलत आंसर बोल के तेरा माइंड खराब कर देंगे, तो आ जा टॉयलेट में चलते हैं। तो तम्बाकू मलते जा रहा था और एक एक आंसर अपने बताते जा रहा था, बाकी आंसर उतने इंटरेस्टिंग नहीं थे क्योंकि कॉपी उसने ढंग से मार लिया था तभी, और एक आंसर था एप्लीकेटिव। तो मेरे को एक बताओ कौन वो इक्विपमेंट क्या होता है कंपास बॉक्स में आता है जो हम लोग डिग्रीज मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हैं, सब लोग प्रोटेक्टर बोलते हो, हम लोग तो डी बोलते थे, हम लोग आते ही ना गवार एरिया से, उनको डी जैसे रहते तो डी बोल देते थे, मैं और आमिर वही कैटेगरी के थे। मैंने उसको पूछा लास्ट वन क्या लिखा, तो प्रोटेक्टर, वो तो एप्लीकेटिव था ना, वो तो कॉपी लिख के नहीं लगता था, तो क्वेश्चन ये था व्हाट इज़ द प्रोटेक्टर एंड व्हाई वी शुड टीच चिल्ड्रन टू यूज़ प्रोटेक्टर। पता है आगे क्या है, दिल का है, हम लोग गरीब और गवार बच्चे थे ना, तो हमारे यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली नाम नहीं लेते थे, हम लोग प्रोटेक्शन बोल देते थे हर चीज़ को। तो बोला बहुत सिंपल था यार, तूने नहीं लिखा, नहीं मैंने नहीं लिखा ना, कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, उसमें जाके तो नहीं पूछा मैंने कभी, तो ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आंसर क्या है। सो बहुत सिंपल था ना, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जूलॉजी और मैथ्स को ब्लेंड करके, आई मीन नाइन्थ का एथ का साइंस रिप्रोडक्शन और मैथ्स को ब्लेंड करके क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी ठीक है आंसर बता बोला है, मतलब प्रोटेक्टर इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव विच वी शुड टीच चिल्ड्रन बिकॉज दे आर द फ्यूचर। और इंडिया का पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत हाई है, मैं कल लैंड लेने गया, लैंड भी नहीं मिल रहा, चाइना कितना बड़ा भी नहीं है अपना देश, तो लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव और दूसरी बात बहुत सस्ते में मिल जाता है। सो दिस वाज माय फ्रेंड गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग, गुड बाय, शब्बा खैर, सायोनारा, कैलाश खैर, अनुपम खैर, थैंक यू वेरी मच।